हेलो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले हमारे YouTube चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग सब बात करते हैं भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार गायक खेसारी लाल यादव की, जो अपनी उम्दा एक्टिंग और गायकी की वजह से सबके दिलों में राज किया है। उन्होंने भोजपुरी सिनेमा में यह मुकाम बहुत ही जल्द पा लिया था, परंतु उनकी इस सफलता के पीछे बहुत कठिन परिश्रम और संघर्ष भी छिपा है। खेसारी लाल यादव का भोजपुरी सिनेमा के एक बहुत बड़े नाम है, पर क्या आप जानते हैं कि इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा है? खेसारी लाल यादव का जन्म 1986 में सिवान के एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। इनका असली नाम शत्रुघ्न यादव है। उनके पिता का नाम मंगरू यादव है, जो खेती करके अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करते थे। खेसारी लाल यादव का बचपन छपरा और सिवान में बीता। वो बचपन से ही नृत्य गाना गाने के बहुत शौकीन थे। अपनी गरीबी की वजह से खेसारी लाल अपने परिवार के पालन पोषण के लिए दिल्ली के एक धागा कटाई मशीन कारखाने में काम करने लगे। इसी दौरान उनकी शादी हो गई। शादी के जिसके बाद घर का खर्च अधिक होने के कारण उन्होंने दिल्ली में ही एक लिट्टी चोखा का दुकान शुरू किया। इस दुकान को चलाने में उनकी पत्नी भी बहुत सहयोग करती थी। यह सिलसिला लगभग 2.5 साल तक चला, परंतु उनका मन हमेशा गीत संगीत के तरफ ही लगा रहता था। अपने अभिनय की शुरुआत दौर में उन्होंने नाच और ऑर्केस्ट्रा में भी काम किया। भोजपुरी सिनेमा के लिए इन्होंने फोर्स की नौकरी तक त्याग दी। इसी दौरान खेसारी को पहली सफलता भोजपुरी एल्बम माल भेटाई मेला से मिली, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। उनकी पहली फिल्म 2012 में आई, जिसका नाम साजन चले ससुराल था। इस फिल्म से वो रातों रात भोजपुरी फिल्म जगत के सितारे बन गए। खेसारी अपने गायिका में ठेठ भाषा का प्रयोग करते हैं, जो लोगों को कभी पसंद आता है। खेसारी एक अच्छे गायक के साथ साथ एक अच्छे नर्तक भी हैं। खेसारी ने अब तक सैकड़ों भोजपुरी हिट गीत गाए हैं, जैसे रे हमर सऊदी रे भौजी, सैया अरब गईले ना, और सैया आइबा की ना आइबा व लहंगा में मीटर उनके प्रसिद्ध एल्बम गीत हैं। खेसारी लाल यादव दो बच्चे के पिता हैं। बेटे का नाम ऋषभ यादव और बेटी का नाम कृति यादव है। खेसारी अपनी बेटी के साथ एक फिल्म में भी नजर आ चुके हैं। खेसारी ने पवन सिंह, दिनेश लाल जैसे कई बड़े अभिनेताओं के साथ भी काम किया है। खेसारी भोजपुरी गायिका की हर विधा में महारत हासिल कर चुके हैं। खेसारी भोजपुरी फिल्मों और एल्बम के अलावा स्टेज शो भी करते हैं। उनके स्टेज शो में भारी संख्या में दर्शक मौजूद रहते हैं, खासकर बिहार और झारखंड में। खेसारी के अभिनेता बनने के बाद भी उनके जीवन में कुछ ऐसे भी पल आए जो उन्हें तकलीफ दे गई। सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को अपनी गायिका की वजह से तिहाड़ जेल में 3 दिन तक बंद रहना पड़ा था। दरअसल उन्होंने टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा पर एक एल्बम बना दिया था, टेनिस वाली सानिया खोजले दुल्हे पाकिस्तानी, जिसके बाद सानिया मिर्जा ने खेसारी लाल पर मानहानि का केस दर्ज कराया था, जिसकी वजह से उन्हें 3 रात तिहाड़ जेल में काटनी पड़ी थी। इन बाधाओं के बावजूद आज खेसारी लाल यादव भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक सबसे चमकता हुआ सितारा हैं और हर साल उनकी फिल्में सबसे ज़्यादा हिट होती हैं। खेसारी को भोजपुरी एल्बम पर्व त्योहारों में ज़रूर निकालते हैं। भोजपुरी पर्दे पर खेसारी और काजल राघवानी के केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आती है और दोनों ने मिलकर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को एक बढ़कर सुपरहिट फिल्में और गाने दिए हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें और बिहार के निष्पक्ष एवं ताज़ा खबरों के लिए हमारे वेबसाइट bihari.news को विज़िट करें। शुक्रिया।